मेहता का उल्टा चश्मा। कायजाला चोर है। आपको कैसे पता चला? अगर सोसाइटी वाला होता माधवी तो अपनी शक्ल क्यों छुपाता? मेरी बात मानो, वो चोरी है। अरे मुझे सपना जो आया था ना, वो भगवान का संकेत था कि चोरी होने वाली है, जाग जाओ। जाग तो गए है ना। जाग जाओ मतलब सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ। मैं काम करता हूँ माधवी, मैं बालकनी में जाता हूँ, जेठालाल सोड़ी मेहता साहब सबको बुला लेता हूँ यहाँ पे। अरे देवा, इतनी तूफानी बारिश, मैं चिल्लाऊंगा तो भी मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी किसी को, क्या करूं? मामा। अरे बाहर इतनी तूफानी बारिश और हवा चल रही है ना कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था ना तो भी कोई नहीं आता। फोन कीजिए ना आप सबको। अरे हाँ, सुलझने वाला, फोन अंदर है। अरे वाह, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। रोशन, रोशन, रोशन उठ। अरे अभी तो सोया हूँ। रोशन तेरा मोबाइल कब से बज रहा है बाबा? बजने दे सोनियो, पिंड का कोई दोस्त होगा, पार्टी शार्टी करने के बाद उसे मेरी याद आ गई होगी, वेलिया मारेगा। मोबाइल तो साइलेंट पे कर दे। तू चिंता ना कर, तू सो जा, मैं फोन साइलेंट ही कर देता हूँ। ये सोड़ी फोन ही नहीं उठा रहा है। देखो अभी हाथी भाई को करता हूँ। नहीं नहीं, हाथी भाई घर पे नहीं है। कोमल भाभी ने बताया वो अर्जेंट पेशेंट देखने गए हैं। अच्छा अच्छा, तो गोया को करता हूँ। वो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा बेचारा? वो बच्चा, उसको नींद से जगाने में टाइम जाएगा। हाँ ये हो सकता है, तो जेठालाल को करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। कौन? अरे कौन क्या, भिड़े बोल रहा हूँ भाई। कहाँ से? अरे क्या कहाँ से, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी ए विंग से बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े बोल बोल। नहीं मत बोल बे, अभी मैं सो रहा हूँ, सुबह बात करते हैं ठीक है। ये सुनो 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 जेठालाल, मेरे घर के बाहर चोर खड़ा है। कौन खड़ा है? चोर चोर चोर। हाँ मेरे घर के बाहर चोर खड़ा है। अरे तो मुझे क्यों फोन कर रहा है भाई, तू जल्दी से पुलिस को फोन कर। अरे जब तक पुलिस आएगी तब तक पता नहीं चोर क्या करेगा। तो सोडी को बुला, होता एकदम तेरे बाजू में ही है ना। किया था मैंने जेठालाल, वो फोन उठा ही नहीं रहा है। क्यों, पार्टी शार्टी करके सो गया है क्या? अरे माला का है भाई जेठालाल, तुम जल्दी से आओ ना भाई, यहाँ पे मैं और मेरा परिवार खतरे में है। सब चोर तो एक ही है क्या, ज्यादा है? मैंने जब आई होल से देखा था तो एक ही चोर नजर आया था, मेरे ख्याल से एक ही चोर है। तुम जल्दी से आओ ना जेठालाल, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, कच्ची मारू किसी से डरता नहीं है, अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है भिड़े, मैं आता हूँ, चल। हाँ हाँ ओके ओके, आ रहे जेठालाल। चोर की हाइट पूछना तो रह ही गया, कहीं चोर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हुआ तो मुझे और भिड़े को तो यूं पछाड़ देगा। एक काम करता हूँ, टप्पू को साथ में ले जाता हूँ, टप्पू को जगाया तो बापूजी भी जाग जाएंगे, फिर बापूजी भी साथ में आएंगे, फिर चोर को पकड़ू के बापूजी को संभालू, मेहता साहब को साथ में ले लेता हूँ, क्या तीन लोग तो चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। फोन। इतनी रात को किसने फोन किया? इस वक्त आपको जेठा भाई फोन कर सकते हैं। जेठा आगे फोन है। आ जेठा, क्या हुआ? मेहता साहब, घर में से जो भी हथियार मिले वो ले लीजिए, हमें अभी का अभी भिड़े के घर जाना है। हथियार? हथियार लेके? ऐसा क्या होगा जेठालाल के हथियार लेके आना है? तुम्हारा भिड़े से झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे पीटने जाना है उसके घर आधी रात हथियार लेके? अरे नहीं नहीं, उसे नहीं पीटने जाना है, उसका अभी फोन आया था, उसके घर पे कोई चोर आया है तो उसे पकड़ने जाना है। पर हथियार लेके क्यों जाना है? वो सेफ्टी के लिए, अगर चोर ने हमें पिटना शुरू कर दिया तो क्या हथियार साथ में हो तो जरा काम आए ना इसके लिए। पर चेचा चोर खतरनाक हुआ था और हट्टा कट्टा हुआ था। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, सोटी को भी बोला है, वो भी आ रहा है।
ठीक है मैं आता हूँ। सॉरी भगवान, वो मेहता साहब को सोढ़ी का झूठ बोला, क्या वरना वो आते ही नहीं ना। ये हथियार हट्टा कट्टा चोर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कि आपको चोर आ गया तो जेठलाल को उसे पकड़ना, इसलिए जाना है। चोर? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अंजलि, पता नहीं वो क्या सिचुएशन में जा रहा हूँ ना, तुम यही रुको। पर आप अकेले जाएंगे तो मुझे चिंता होगी। चिंता की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, जेठलाल है, सोढ़ी है, हम सब है। ठीक है, मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना। डरा दिया यार तुमने जेठा। चलिए। अरे ये कंबल क्यों लिया तुमने? चोर को पकड़ने के बाद मैं भिड़े के घर सोने का इरादा है क्या? ये चोर के ऊपर डाल देंगे ना तो क्या उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो पलट के हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा ना, इसके लिए। अच्छा, ओके। ये क्या है, क्यों लेके आए आप? तुमने कहा था ना हथियार लेके आना। ये हथियार? मच्छर मारने का रैकेट। मच्छर भी मरता है ना, ऐसे है तो हथियार है। वैसे भी जेठा, मेरा कौन सा हथियार मिलेगा भाई? जो मिला वो लेके आ गया, और इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? सोढ़ी आएगा ना, वो अकेले ही सबको संभाल लेगा। सॉरी, सोढ़ी तो नहीं आ रहा है, वो सो रहा है घर। आप आओ, इसके लिए मैंने झूठ बोला। तुम अपने परम मित्र से ऐसे झूठ बोल सकते हो जेठालाल? मेहता साहब वो कहते हैं ना भाई, किसी की भलाई के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर वो झूठ नहीं रहता। तो ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। बच्चे जैसी बात कर रहे, क्या डरपोक की तरह आप वो कर रहे, चलो ना यार। डरने की बात है, जेठालाल चोर है वो। अरे भाई मैं हूँ, आप है, फिर भीड़े भी आ जाएगा, हम तीन मिल के एक चोर को नहीं संभाल पाएंगे, कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो, नहीं खुला तुम्हारे छाते, हम चलता हूँ। अरे आप पीछे क्यों चल रहे, जीवन में थोड़ा आगे बढ़िए। मैं पीछे ठीक हूँ, तुम आगे रहो। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? गुरु पीछे और चेला आगे, अच्छा नहीं लगता है? जेठालाल, हर गुरु जीवन में क्या चाहता है कि चेला उस गुरु से आगे बढ़ जाए। कि तुम आगे रहो, जेठालाल आगे बढ़ो, गुरु तुम्हारे साथ है। वो ये साथ कहाँ है, आप तो पीछे। अरे साथ? अरे बच्चा, इसको बोलते इधर ऐसे, अभी बराबर, अभी साथ में। चला गया, मेहता साहब को भी लेके आया है वो। अरे वाह वाह, चलो चलो हटो। अरे पकड़े जाने पे सब चोर ऐसा ही बोलते हैं। रुको 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 रुको, ये चोर नहीं है, ये बिल्कुल चोर नहीं है। जेठा, ये कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, अब तो भिड़े भी कह रहा है कि ये चोर नहीं है, क्या हो रहा है ये भाई? एक मिनट, आप भिड़े क्या है भाई ये सब? अगर ये चोर नहीं है तो हमको क्यों बुलाया? वो भी आधी रात को बारिश में बुलाया। लेकिन मेहता साहब, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। जेठालाल, अरे मुझे तो बुलाया ना भाई, मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट जेठालाल, रुको एक मिनट। मनु भाई सॉरी, हमें लगा आप चोर है। अरे तुम्हारे लगने के चक्कर में अपना वाट लग गया है। सोढ़ी भाई का घर किधर है? उस तरफ। सोढ़ी भाई, मनु भाई, आहो, आई। जेठालाल कौन है ये मनु? मनु की पता? अरे तो किन्नू पता? भिंडू नु। भिंडू नु? क्या बोल रहे हो? भिड़े नु। अरे तो चलो ना भाई। हाँ चलो नु। चलो। सोढ़ी भाई, सोढ़ी भाई, मनु भाई, सोढ़ी भाई, मनु भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को कोई बात नहीं सुनने का। अरे तो सोढ़ी भाई से बात करने का। अरे क्या हो रहा है? भिड़े कौन है ये भाई? रोशन उठ, देख कुछ दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन होगा? सोने हो, मैनू की पता। चल चल के देखते हैं। यार ओ रुक जा। पापा, इतनी रात को कौन आया होगा? ओ पुत्र, तेरी तरह मैं भी दरवाजे की इस तरफ हूँ, मैनू किस तरह पता चलेगा कि उस तरफ कौन है?
देखते थे। ओए रुक जा यार, दरवाजे से क्या दुश्मनी है जो इसे पीट रहा है तू? ओ मन्नू तू? तुसी सारे इधर नाल? वो गल की है? वो चल क्या रहा है? थोड़ी भाई, अपनी दुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये आप लोगों का सोसाइटी है कि पुलिस थाना? जब भी इधर आता हूँ कोई ना कोई पीट देता है अपन को। फिर से किसने पीटा तुझे? इन सब लोगों ने मिलके। फिर से मतलब अभी तो हमने पीटा, मैंने और जेठालाल ने चोर समझ के पीट दिया। पर है कौन भाई साहब ये? ओ जेठा ब्रा मेहता साहब, ये मेरा दोस्त है मन्नू, मैकेनिक है। वो इसे ही तो भिड़ू का सखाराम रिपेयर करने दिया था। अरे भिड़ा जब तू इसको जानता है तो फिर इसको चोर क्यों समझा? अरे क्या हुआ जेठालाल, मैंने थोड़ी देर पहले सपना देखा कि मेरे घर पे चोर चोरी करके चला गया और उसी वक्त एम की बेल बजी। मैंने आके देखा आई होल से कौन है, तो ये भाई साहब मुझे दिखा ही नहीं। मुझे लगा कि जानबूझ के कोई अपनी शक्ल छुपा रहा है, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि चोर चोरी करने आया है। बेचारे आज के दिन दूसरी बार पीटे हैं। आज के दिन दूसरी बार मतलब पहली बार कब पीटे? हाँ। वाह सुबह जब ये मनु भाई सकाराम को लेने आए थे रिपेयर करवाने के लिए। अपन की कोई बात क्यों नहीं सुनते? अपन चोर, अरे अरे अपन की बात सुनो, अपन चोर नहीं है। ओहो बेचारा गलतफहमी की वजह से दो बार पिट गया एक ही दिन में। बेटा अरे मैंने कपड़े की तरह धुलाई कर दी है इन्होंने मेरी। आप लोग अपने आप को भाग और मेरे को मंदिर का घंटी समझ ले, कोई भी आके बजा के चला जाता है। नहीं नहीं इतना पीटा आप मेरे को ही लगता है कि मैं चोर है। नहीं 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 तुम चोर नहीं हो बेटा, तुम चोर नहीं हो। ओ मन्नू तू इस टाइम पे आएगा तो सब चोर ही समझेंगे ना। हाँ अरे मन्नू भाई आप इस बात क्यों आए? अरे आपका सकाराम बन गया था, उसका चाबी देने को आया था अपन। अरे तो मनु भाई इतनी रात गए आने की क्या जरूरत थी आपको? कल सुबह भी दे सकते थे ना चाबी, मैं कहाँ भागा जा रहा था। ए सोडी भाई अपने को फोन करके बोला कि भिड़े भाई अपना जान खा रहे है। वो सकाराम से दूर रहेगा तो पागल हो जाएगा। और बोला बस बस मनु, इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे आ। मैंने बोला था सोडी भाई को रात भर काम करेगा, जब सकाराम बन जाएगा तो मैं खुद ला के देगा तुमको। अरे तो सोड़ी तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो मुझे लगा कि हवा में बातें कर रहा है, गड्डी सवेरे ही देने आएगा। अब थोड़ी भाई एक बार बता देते तो ऐसी दूसरी बार पिटाई नहीं होती मन्नू भाई की। माधवी वेणी अगर मैं बता देता तो सखाराम आने तक ना बीड़ू खुश होता और ना मैनू सोने देता। नहीं नहीं बराबर है छोटी, भिड़े का मतलब स्वभाव भी थोड़ा वो चिंता वाला है ना। एक बार क्या है उसने मेरे दुकान से इस्त्री मंगवाई थी, तो जब तक मैंने वो इस्त्री लाके उसको दी नहीं तब तक वो पता नहीं कितनी बार उसने मुझे फोन करके याद दिलाया, तुम ला रहे हो याद है ना, लेके आना, भूलना नहीं, लेके आना लेके आना। पर मनु अंकल आप हमारे घर का ताला क्यों तोड़ रहे थे? हाँ। अरे लॉक तोड़ नहीं रहा था, अपने को लगा तुम लोगों को बेल सुनाई नहीं दिया तो इसलिए कुंडी बजा रहा था। लेकिन तुम लोगों का सही है, तुम लोग सीधा इंसान को ही बजा डालते हो। मनु भाई देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं फिर से सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हुआ सॉरी। अरे जब आता हूँ मारते हो फिर बोलते हो सॉरी, क्या सॉरी? अरे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अगली बार कोई भी रिपेयरिंग का काम हो अपन को बोलने का नहीं। एक दिन में दो दो बार अपन का पिटाई हो गया। सॉरी सॉरी मन्नू भाई सॉरी, ये भिड़े की गलत फहमी की वजह से हम भी गुमराह हो गए और हमसे भी आपकी पिटाई हो गई, सॉरी हम भाई। हाँ मन्नू भाई देखिए मैं तो एक संवेदनशील लेखक हूँ, मैं तो मतलब पिटाई करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। तो मेरे परम मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि एक चोर को पकड़ा है तो हथियार लेके आओ, तो देखो हथियार के नाम पे भी क्या लेके आया मैं, ये मच्छर मारने वाला रैकेट। आप मुझे क्या मच्छर समझ रहे थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ इसमें तो चार्जिंग भी नहीं है। देखो देखो बटन ऐसा तो कुछ नहीं है और ये ज्यादा लगता भी नहीं है। ए! ये लगता है ना?
नहीं सॉरी सॉरी मनु भाई, रियली सॉरी। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट मिनट, कहाँ चल दिए आप? सखाराम लेके आए ना, तो उसकी चाबी तो दीजिए। हाँ, अच्छा सखाराम अभी ठीक हो गया ना? ठीक हो गया, तभी तो देने आया। ओह थैंक यू मनु का, गुड नाइट। थैंक यू। और पीड़े खुश हो गया तेरा सखाराम? ठीक, हाँ मतलब हो ही गया होगा। अरे ए, चक्कर मार के देख लेना, जाना नीचे जा चक्कर मार ले। ओ नहीं नहीं जेठा भरा, चेक करने की कोई लोड नहीं है। ओ A1 मैकेनिक है साडा मन्नू, ओ बहुत बढ़िया काम करता है। काम बढ़िया हो चाहे ना हो, लेकिन इस वक्त आधी रात को बारिश हो रही है, कहाँ चेक करेगा? सुबह कर लेगा भेड़े, सुबह कर लेना। ठीक है चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। चलो फिर चले। हाँ चलो। जेठा भाई मेहता साहब सॉरी, हाँ हमारी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन क्या करे परिस्थिति ऐसी थी कि। अभी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, अरे हम गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। अभी भीड़े की जगह मैं होता और मेरी जगह भीड़े होता तो आधी रात को क्या मेरी मदद करने नहीं आता? हाँ मुझे क्या लगती आते है। हाँ, तो प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, बुरा लगता है। वो जटापरा पीड़ू के साथ मैं भी आ जाता। कहाँ से आ जाता? अभी आया तू? कितनी बार फोन किया तुम्हें? ओ पिडू, ओ गैराज में आज काम बहुत था, वो पक्की वाली नींद आ गई थी। चाल चाल रोशन, चुट्टू चुट्टू ना बोल। इसको लगा कि इसके पिंड का दोस्त पार्टी शार्टी करके फोन कर रहा है, इसलिए फोन नहीं उचक रहा था। ए, देखो सॉरी पिडू, इस बार के लिए सॉरी, पर अगली बार सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा मदद करने के लिए। चलो अब चले। चलो हाँ चलो भाई, चलो अभी चलते हैं, गुड नाइट। यहाँ तक आया तो और तो लस्सी लस्सी कुछ। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, कोई नहीं चल भाई। तारक आप ठीक तो है ना? चोर पकड़ा गया? ठीक हूँ अंजलि, अब क्या बताऊँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में क्या होता है, होता कुछ और है, नतीजा कुछ और निकलता। मतलब? मतलब ये कि भिड़े के घर के बाहर जो व्यक्ति था वो चोर नहीं था, वो सोड़ी का दोस्त मन्नू मैकेनिक था। हाँ हुआ ये। ये मेरा दोस्त है मन्नू, मैकेनिक है। बेचारे मन्नू भाई, एक ही दिन में दो बार गलती से पिट गए, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ ना? बेचारे मन्नू भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। हो ना, मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं कल उसके गैरेज जाता हूँ और फिर से एक बार सॉरी बोलता हूँ। ये चांगला है, उनको अच्छा लगेगा। चलो अभी सो जाते हैं, बहुत काम है कल। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? जाइए नीचे जाके आइए, जब तक आप आपके सखा को लाड़ प्यार नहीं करते ना, तब तक नींद नहीं आने वाली आपको। माधवी एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि एक बार सखा को चेक कर ही लो। कितनी हो रहा है तुम? संभालून जा। अरे वाह, बारिश रुक गई। सखा राम, वाह वाह। वाह वाह, हो गए शुरू। आखिरकार मैंने तुम्हें मना ही लिया, अब तुम्हें चाबी के बगैर कोई शुरू नहीं कर सकता। चलो अभी आराम करो, कल बहुत सारी डिलीवरी करनी है। चलो, को देख लिया, मेरे मन को तसल्ली हो गई। बगु जरा चेहरा बगु। खुशी और शांति जो झलक रही है अभी। तो होगा ना, अभी सखाराम को चेक जो कर लिया मैंने, अभी चाहे अचरा की डिलीवरी हो कहीं बाहर जाना हो, सखाराम चालू तो मेरा टेंशन बंद। आता लाइट बंद। चल इतनी धावपड़ जो भी चल रहा था, इतनी थकावट हो गई है, तो खत्म ही नहीं हो रहा था अचर पापड़ का ऑर्डर भी, बड़बड़ भी बंद। दोस्तों करे कोई भरे कोई, अब देखिए ना, एक ही दिन में मनु दो बार पिट गया,
जीवन में यही होता है, करता कोई और है, भरता कोई और है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। भेड़े का रूठा सकाराम मान गया, भेड़े को सकाराम मिल गया, बच्चों को डर के मारे झूठ नहीं बोलने की शिक्षा मिल गई, रमाकांत चाचा को उनके पैसे मिल गए, आप लोगों को हंसी ठहाके मिल गई, और हम लोगों को इस बात से खुशी मिली कि आप लोग हंसे। तो अब यहाँ ये देखना है कि हंसी की एक्सप्रेस किस तरह से आगे बढ़ती, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो कल जो होने वाला है वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप एपिसोड देखेंगे, और जबकि आप तो जरूर देखेंगे क्योंकि आप चाहते हैं हंसना। देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं नहीं, सोडा शॉप पर मत जाइए, सीधे मेरे घर पर आ जाइए। क्यों, तुम्हारे घर पे क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने अपने दोस्तों की आज की शाम को खास बनाने का प्रोग्राम रखा है मेरे घर पर। बापूजी, अंजलि, बापूजी, रोशन, अंजलि, बापूजी, आप यहाँ इस वक्त, वो भी इस तरह? पर रोशन, तू इतने गल की है? अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।